हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर। कैसे हैं आप लोग? घर में सब बढ़िया? आज जो मैं लेके आ रहा हूँ सुशांत लोग फेज वन के अंदर काफी बेहतरीन बिल्डर फ्लोर, फोर बेडरूम फोर वॉशरूम, काफी बढ़िया ड्राइंग डाइनिंग है, पॉडर रूम के साथ है और एम्पल ऑफ स्पेस है। 300 स्क्वेयर यार्ड का साइज है, प्रॉपर गेटेड, डिसेंट ब्लॉक, टॉप नॉच क्वालिटी और बेस्ट अप्रोच, ये सारे चीज़ों का मिक्सचर आपको इस प्रॉपर्टी में मिलता है। क्या क्या खूबी है वो आपको ऑलरेडी पूरे घर में, जब मैं आपको पूरे घर का टूर कराऊंगा वो आपको ऑलरेडी नज़र आ ही जाएगा। बट इसकी अप्रोच क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। NH-8 से काफ़ी नियरेस्ट है, MG रोड कनेक्टेड है, गोल्फ कोर्स रोड 2 मिनट की ड्राइव पे है, गेटेड प्रॉपर्टी है और एम्बियंस मॉल अगर आप यहाँ से जाते हैं तो तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे आप एम्बियंस पहुँच जाते हैं। साइबर सिटी अगेन 5-10 मिनट्स के ड्राइव पे और साइबर हब भी सेम इसी ड्राइव पे आपको मिलता है। NRIs लोग, काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं तो उनको कभी कभार हमें लोकेशंस बतानी पड़ती है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ तकरीबन अगर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे आपको एयरपोर्ट मिलता है और बढ़िया कनेक्टिविटी है, सीधी रोड है और धोला कुआं भी आपको तकरीबन हाफ एन आवर के ड्राइव पे यहाँ से आपको कनेक्टेड मिलता है। पीक आवर्स आप छोड़ दें तो बात अलग है, नॉर्मल आवर्स में जो आपकी ड्राइविंग है वो आधे घंटे की रहती है। पीक आवर्स का तो आपको पता ही है, जो एक्चुअल टाइम है वो लगता ही लगता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो, आइए। हाँ जी, वेलकम। कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं हम लेआउट से, जो हमारा हमेशा पहला स्टेप रहता है। लेआउट की बात करें तो इस तरफ से आपकी मेन एंट्री है। एंट्री से जैसे लेफ्ट लेते हैं, जैसे आप लेफ्ट की तरफ आए तो बढ़िया सा आपको यहाँ पे आपको लिविंग रूम मिलता है, बहुत ही स्पेशियस। ये प्रॉपर आपका ड्राइंग रूम है, फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। ये आपको पैसेज मिलता है, काफी डिसेंट पैसेज है। ये आपका डाइनिंग का स्पेस है और सामने की तरफ आपकी किचन है, सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और ये वाला जो रूम है फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। तो सिंपल नक्शा था और ये जो लेआउट है काफी डिमांडिंग होता है, काफी लोग हमारे को अप्रोच करते हैं तो कभी कभार ऐसे फ्लोर्स काफी कम आते हैं। हर किसी का, हर बिल्डर का अपना टेस्ट है तो इन्होंने भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया है। ये ऑलरेडी इनका तकरीबन हम 2 से 3 फ्लोर्स इनके साथ हमने ट्रांजैक्शन करी हुई है तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग देते हैं, टॉप नॉच काम करते हैं। घर का लेआउट दिखाने में ही आपको इसकी फिनिशिंग का अंदाज़ा हो गया होगा, तो आज मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। मेन डोर से हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपका फुल सीलिंग हाइट में आपको ये मेन डोर है, फुल फ्रेम जिसे हम कहते हैं, और इसकी फिर्थ देखिए तकरीबन 3 इंचेस वाइड है यार, एक नंबर। और इसको हम कर देते हैं बंद, डिजिटल लॉक है डोर सेट का और काफ़ी बेहतरीन फ्रेम वर्क इन्होंने किया हुआ है, काफ़ी बड़ा फ्रेम है इसका मेन डोर का। हर किसी की अपनी चॉइसेस हैं तो किसी को अगर आपके हिसाब से और करना हो तो यहाँ पे स्कोप ऑफ आपका विड्थ का आपके पास है, अगर आप अपने आप से चेंज कराना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो अब आते हैं इसके खूबसूरत ड्राइंग रूम के अंदर, VRV के साथ है। आप ऊपर देखें पूरा डक्ट आपके सामने है, ये प्रॉपर VRV है, वुडन के अंदर ढका हुआ है ये पूरा VRV आपका। इससे आपकी फिनिशिंग भी आ रही है और आप एक डिजाइनिंग का भी पार्ट हो जाता है, फॉल सीलिंग का पार्ट हो जाता है। इस तरीके से आपकी बहुत ही डिसेंट वॉल है, हाईलाइटेड वॉल, ये आपकी ड्राइंग रूम की मेन वॉल। ये पूरा आपका स्टोन वर्क है,
इधर आपका कंसेप्ट में वुडन वर्क, और हर किसी का अपना पैरामीटर है। आप यहाँ पे बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम है, आप इस एरिया को डाइनिंग का भी स्पेस बना सकते हैं, और बार अगर आपके हिसाब से चल रहा हो तो हर किसी अपनी चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे बढ़िया सा डिजाइनिंग बार रख सकते हैं आप। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से खूबसूरती से, कहते हैं ना फर्नीचर को रख के प्लेसमेंट से कितना बड़ा है वो आपको कैमरे से पता चल रहा होगा, और पूरी वॉल हाईलाइटेड है, डिसेंट फॉल सीलिंग है। आप देखें डिजाइनर फैंस, तो आ जाओ। एक चीज बताना भूल गया, फ्रंट के आपका जो स्लाइडर है वो टॉप टू बॉटम थ्री ट्रेल एल्यूमिनियम के अंदर है, जो बहुत लाइट होते हैं, होते भारी हैं बट बहुत लाइट होते हैं आपको मूव करने में। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। अगर डोर की बात करें, काफी बढ़िया मैट फिनिशिंग में है, अच्छा डोर दिया हुआ है, फुल हाइट यूज करी हुई है, और ये आपकी बेड की बैक, अगेन वुडन वर्क, वुडन पैनलिंग और स्टोन वर्क आपके सामने दोनों आपको मिलते हैं। एक्चुअल मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती है, लेंथी होती है, क्योंकि हमारा काम 5 मिनट 10 मिनट में वीडियो दिखाना नहीं है, हमारा काम पूरे तरीके से आपको घर को एक्सप्लेन करना भी होता है। घर जिन्होंने हमसे लिया हुआ है, जिन्होंने हमसे डिलीवरीज ली हुई है, उनको हमारे टेस्ट का और डिलीवरी का पता है। और एसीज आपको डायकन के इन्वर्टर एसीज हैं इसमें, और इसका यार मैं आपको वॉशरूम खुद आपको दिखाता हूँ, मजा आएगा। ये है इसका ग्रैंड वॉशरूम, बहुत ही स्पेशियस, पूरा फुल फ्रेम आपको मिरर मिलता है, इस तरीके से आपका बाथिंग एरिया, सारी फिटिंग कॉलर की है, डिसेंट काम, लग्जरी काम। इस तरीके से आपको बैठने का स्पेस मिलता है, जो ओल्ड एज है उनके लिए काफी बेस्ट रहता है ये चीज, बाकी बच्चे नॉर्मल फैमिली भी मेंबर्स भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। स्पेस देखो 1 2 3 4 सेक्शन वार्डरोब मैट फिनिशिंग में, और ये आपका पूरा टॉप आप देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है, कॉलर बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन में है, और इसमें जो लाइट्स हैं वो प्रॉपर सेंसर लाइटनिंग्स हैं, और नीचे आप देखें काफी बेहतरीन फिनिशिंग। वेरी नाइस स्पेस, क्या बोलेंगे इसमें, कैसी फिनिशिंग है, है ना। तो इसके लिए यार लाइक करना ना भूलें। आ जाओ मैं आपको इसके आगे लेके चलता हूं। यहां से आपको क्या है, पूरा आपका यहां से पैसेज है, और सामने की तरफ आपका प्रॉपर डाइनिंग का स्पेस पूरा हाईलाइटेड है, स्पेस आपके सामने है, पूरी आपकी हाईलाइटेड वॉल्स वुडन पैनलिंग के अंदर, और ये देखो इसके साथ जो वॉशरूम है वो आपको इस तरीके से हाइड हो जाता है, इस फ्रेम में आ जाता है पूरा, और इधर भी ग्रूव्स हैं और इधर भी, तो आपको एक बारी को जज नहीं होगा कि ये डिजाइन बहुत एस्थेटिक डिजाइन बनाया गया है। अब मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके चल रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ। लाइट ना कभी कभार मैं बिल्डर फोर्स में जाता हूं तो कभी कभार लाइट ना बड़ी डिम होती है, शूट करने का मन ही नहीं करता, कितनी बार वापस आना पड़ता है, कितने प्लान्स बनते हैं, वो घर बेचूं ना बेचूं काफी बार माइंड में आता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी समझ नहीं आती, तो यार हम उस घर को ड्रॉप करते हैं। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें वीडियो से आपको पता चलना चाहिए कि यार वो घर लेने लायक है या नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम वीडियो बना देते हैं वो घर नहीं बेच पाते, तो बहुत कंसर्न रहते हैं हर टाइम। यहाँ पे बेड की बैक प्रॉपर वॉलपेपर लगा हुआ है, इस वॉल को ज़्यादा कहते हैं ना हैवीपन नहीं दिया गया, सिंपल बेसिक वॉलपेपर, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। 4 सेक्शन वार्डरोब्स, इस रूम की एक खास बात है कि इसमें आपको जो वार्डरोब है वो आपके कमरे के अंदर का स्पेस नहीं ले रहे हैं, वो इस रूम में क्या है, ये पूरी बिल्डिंग के चारों रूम्स खासियत है, बट इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या है, वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन कहीं पर भी नहीं है। अगर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करते हैं यहाँ पे, इस वॉल को बाहर का भी नेचुरल लाइट मिल जाता या लॉबी का मिल जाता, बट मेरा सजेशन है बिल्डर को नेक्स्ट साइड के लिए, ये LCD वॉल है, ये आपकी प्रॉपर बैक है बेड साइड की,
ये आपका एसी पूरी फॉल सीलिंग डिसेंट है, आ जाओ वॉशरूम दिखाता हूँ। अच्छा अब इसके अंदर देखना, ये भी पैटर्न उसी के साथ था, ये पैटर्न लगातार चलता हुआ रहा है वुडन का। यहाँ पे भी आपके ग्रूव्स आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, विद सेंसर लाइट चलेगी इसके अंदर। यस, यहाँ पे आपका पूरा बाथिंग एरिया, डार्क कलर की टाइल्स हैं, नीचे लाइट कलर की टाइल्स हैं, सामने फुल फ्रेम आपको LED मिरर मिलता है इस तरीके से, एक कोहलर है, वॉश बेसिन, डिसेंट टॉप फिटिंग, सारी टॉप नॉच ब्रांडेड, फुल फ्रेम आपका ग्लास पार्टीशन, डिसेंट साइज है, तो काफी अच्छा साइज निकल गया है। पूरा आपको डाइनिंग का स्पेस नजर आ रहा है, और इधर से मैं टर्न करता हूं तो ये आपका बहुत दूर तक देखें आपको ड्राइंग रूम नजर आएगा, पैसेज नजर आएगा, लॉबी नजर आएगी। मैं इसको अगर पैसेज ना बोल के इसको लॉबी बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, ये आपका एक लॉबी का स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं आपको इसके किचन में लेके चल रहा हूं। अब मैं आपके यहाँ पे किचन में एंट्री करी, काफी स्पेशियस आपका किचन है, ये देखिए आपके एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ, प्रॉपर एल्यूमिनियम फ्रेम्स है यहाँ, बहुत ही प्यारा काम, LED लाइट्स लगी हुई है, हैफले का ये आपका बर्नर है, 4 burner hob, वाइड वाला है, छोटे वाला नहीं है, और हैफले की आपकी चिमनी है, ऑटो सेक्शन, ऑटो क्लीन चालू हो गई। बंद हो गई, ये देखो पूरी टॉप टू बॉटम आपकी किचन रेडी हो रखी है। ये आपका क्वार्ट्ज है, और ये क्वार्ट्ज आपका कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, आजकल सारे बिल्डर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सेम यहाँ पे और सेम सामने की तरफ, और मैट फिनिशिंग की हल्की सी जो उसकी जो कहते हैं ना एक फील आ रही है, वो हल्की सी मैट फिनिशिंग में है, और ये भी आपका सेम इसी तरीके का सेम आपका वर्क है, अगेन मैट फिनिशिंग की आपकी सारी फिनिशिंग जो इन्होंने डुअल कलर की जो कर रखी है वो आपकी मैट फिनिशिंग में, ऊपर भी वुडन का काम मैट फिनिशिंग में, वो लैमिनेट मैट फिनिशिंग में है, हैफले का ही माइक्रोवेव है और हैफले का ही OTG है। और एक्चुअली इसमें ना लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, बट इसमें ना LED का काम, अब लाइट जब आप शाम के टाइम जब आप आएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, और प्रॉपर वेंटिलेटेड है, और क्रॉस वेंटिलेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये आपकी बैक साइड की बालकनी में लॉक लगा हुआ है, और पूरा नेचुरल लाइट आपके सामने पीछे से आ रही है। और ये है आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस, 2 door इजीली आएगा, और इस तरीके से आपका टॉल यूनिट है, और इसके सॉफ्ट क्लोजर्स देखते हैं, सॉफ्ट क्लोजर्स प्रॉपर गए, और इधर भी आपकी टॉल यूनिट है, 2 टॉल यूनिट होगी इस कॉर्नर, इसमें आपकी फिक्स्ड आपको मिलता है पैंट्री का, और जो मैं आपको डाइनिंग का स्पेस बता रहा था ना, यहाँ पे भी आपको पूरा आपको डक्ट AC मिलता है, VRV काम करा हुआ, डायकन की फिटिंग्स हैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी आपको प्रॉपर डायकन की फिटिंग्स मिलती हैं। अब मैं आपको इसके 3rd bedroom में लेके चल रहा हूँ, सामने की प्रॉपर हाईलाइटेड वॉलपेपर के साथ इनले वर्क इसके अंदर किया गया है, ब्रास का इनले वर्क है, आप देखें पूरा आपका एल्यूमिनियम की विंडो, इसमें मैश की चाली भी आप देख सकते हैं, ये सामने आपको LCD पैनल का स्पेस है, आपके घर में पूरा इटालियन आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लगता हुआ, उसकी लुक काफ़ी बढ़िया है, लाइट कलर में है, और बहुत ही बेहतरीन ग्रेस देता हुआ। अब मैं इसके वॉशरूम में आपको लेके चल रहा हूँ, वाह वेरी नाइस, इस तरीके से आपकी ग्रे कलर की टाइल्स हैं, और छोटी छोटी स्टोरेज, कोहलर का काम, ये प्रॉपर बाथिंग एरिया है आपका, इसको आप
किस तरीके से बंद कर सकते हैं, कॉलर की सारी फिटिंग है और सामने की तरफ देखें तो काफ़ी बेहतरीन फिनिशिंग, बहुत ही ग्रैंड लुक में मिरर, नीचे आपका टॉप और ये आपकी कॉलर की सारी फिटिंग्स हैं, वॉश बेसिन भी कॉलर का है और पूरा टॉप दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और स्पेस काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। 3 सेक्शन में आपकी वार्डरोब मिलती है आपको, और आपको एक बार दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और कुछ कुछ स्टोरेज आपके यहाँ पे भी है। लाइट का इशू है, यहाँ पे लाइट होनी चाहिए तो और अच्छा लगेगा। आप स्पेस देखें तो डिसेंट स्पेस है और नीचे आपकी सारी हाई ग्लोसी टाइल्स हैं, सामने की तरफ भी वेरी नाइस। आज काफ़ी ह्यूमिडिटी है, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑडियो वीडियो डोर सेट लगा हुआ है। तो आप ये देखो जो किचन मैंने अभी आपको दिखाया था, बहुत ही प्यारा, पूरा इटालियन कितना ग्रेस देता हुआ आपको, पूरे घर में आपके इटालियन का काम किया गया है। और ये वॉल बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, हाइलाइटेड वॉल आपकी। इस तरीके से मैं आपके 4th बेडरूम में एंट्री करता हूँ और ये है आपकी ग्रैंड लुक में आपकी हाइलाइटेड वॉल, बीच में आपको बेड का स्पेस, इटालियन आपके सामने, पूरा आपको इटालियन कवरिंग मिलते हैं। और ये है आपको डायकन का एसी, कर्टेंस के लिए भी स्पेस दिया गया अलग से, और ये आपकी फॉल सीलिंग। वॉल पे अगर काम देखे ना, ये देखो काफ़ी बढ़िया ग्रूव्स। इसके वॉशरूम में चलते हैं, काफ़ी बढ़िया वॉशरूम, फोर सेक्शन ग्लास लुक में आपका काम है। ये आपका बाथिंग एरिया, प्रॉपर इटालियन का ये काम किया हुआ है सारा, प्रॉपर इटालियन स्पेस। तो ये आपका बहुत ही प्यारा काम। हाँ जी, फाइनली पूरा घर आपको दिखा दिया है। ये आपको मेरे ख्याल से मास्टर बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि इस रूम में और फर्स्ट वाले रूम में मुझे अच्छा हैवी काम नज़र आया है। तो जिस तरीके का मुझे फील आ रहा है कि यहाँ पे आपको घर में आपके 2 मास्टर बेडरूम बन सकते हैं और 2 छोटे आपके बेडरूम्स हैं, मतलब छोटे क्या, साइज सबके एक जैसे ही हैं, बट ओवरऑल पूरे घर की बहुत ही बेहतरीन ग्रैंड लुक है। 2-2 कार पार्किंग मिलती है और घर के अंदर एज सच जिस बिल्डर का ये काम है तो वर्कमैनशिप में कहीं पर भी मुझे कमी नज़र नहीं आई, और लेआउट काफ़ी बढ़िया है। और जिन लोगों को समझ आती है लेआउट्स की और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। डायकन के एसीज हैं, वीआर भी आपको इंस्टॉल मिलता है और डिसेंट काम है। आपकी पूरी जो कॉमन लॉबी ड्राइंग रूम से लेकर लॉबी का स्पेस है, वहाँ पे आपको वीआर भी मिलता है। बेडरूम्स में आपको डायकन की यूनिट्स मिलती हैं, इन्वर्टर वाली यूनिट्स मिलती हैं, और सिर्फ एक बेडरूम है जिसमें नेचुरल लाइट आपको नहीं मिलती, पर वो भी कहीं ना कहीं स्पेशियस है, कहीं से वो छोटा नहीं है। बहुत सारी जगह पे कहीं वुडन फ्लोरिंग यूज़ कर देते, टाइल्स यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे आपके पूरे घर में इटालियन यूज़ किया गया है। तो आई होप आपको ये घर समझ आया हो। घर बहुत डिटेल में बनाया जाता है क्योंकि आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा होता है। कुछ चीज़ें इस तरीके से भी होती हैं कि काफ़ी लोग हमारे पास पुरानी रेफरेंस लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें शिद्दत से अपने दिल से आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, घर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें 2 फ्लोर अभी अवेलेबल हैं, 3rd एंड 4th अवेलेबल हैं। अभी लास्ट वीक मुझे यहाँ पे आना था, मेरी विजिट लगातार चल रही थी, बट मुझे मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपके घर में सब सुरक्षित हैं, सब सेफ हैं, और ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया घर दिलाते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, टिल देन गुड।